की बड़ी खबर है, अलाया अपार्टमेंट मामले को लेकर एक और गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का भतीजा मोहम्मद तारिक अरेस्ट किया गया। हजरतगंज पुलिस ने मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार किया है। अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नवाजिश को मेरठ पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ कनेक्ट है। आलोक, एक और गिरफ्तारी। बिल्कुल, पूरे इस मामले में अलाया अपार्टमेंट में आलोक आपको आवाज मिल रही है। तीनों को ही इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले ही से नवाजिश को मेरठ में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया था। बाकी दो की गिरफ्तारी हुई है और ये कल देर शाम बताया जा रहा है कि इन लोगों को ट्रीट किया गया था और अब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पहले इन लोगों को ढूंढा जा रहा था, फरार थे दोनों। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। अभी देखना है कि किस तरह से पूछताछ होती है और आगे जिस तरह ये हादसा हुआ है उसके साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है, विवेचना हो रहा है। निश्चित तौर पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर का बेटा भी है नवाजिश। और अब पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है, कोर्ट में पेश करना होगा, उसके बाद पुलिस रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में इन सब चीजों को देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए आलोक आपका बहुत शुक्रिया। तो एक और गिरफ्तारी है, तीसरी गिरफ्तारी है। अलाया अपार्टमेंट की मंजिल गिरी थी, कई लोग दबे थे, लंबा रेस्क्यू का काम चला, 3 लोगों की मौत भी हुई थी। और बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां दो पक्षों में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। लाठी डंडे चले हैं, जमकर मारपीट की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, गाजियाबाद से दो पक्षों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई। लाठी डंडे चले हैं, बड़ी और अहम खबर। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ कबूतरबाजी को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। एक महिला यहां बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। खूब लाठी डंडे लोगों के बीच चले हैं, कबूतरबाजी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां एक गुट और दूसरे गुट के बीच मारपीट। देखिए, पहले हाथापाई होती है और उसके बाद लाठी डंडे चलते हैं। एक शख्स अपनी बेल्ट निकालकर यहां मार रहा है, एक महिला बीच बचाव की कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए किस तरह से लाठी डंडे चले, महिला के ऊपर भी हमला हो रहा है, सिर पर हमला किया जा रहा है। गाजियाबाद का पूरा मामला मोदी नगर में कबूतरबाजी के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। 9:31 का ये पूरा मामला देख रहे हैं आप, किस तरह से मारपीट हुई है। थाना मोदी नगर के गोविंदपुरी क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में कबूतरबाजी को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके पश्चात दिनांक 26/1/2023 को आकाश का जो पक्ष था वो लोग, नगेंद्र जो दूसरा पक्ष था उसके घर पर गए और वहां पर उन्होंने लाठी डंडों और बेल्ट वगैरह से उनके साथ में मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में जो एग्रेसर पक्ष है उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, वह अभियुक्तों को हिरासत में लेके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, एक दारोगा को 4 लाख की रिश्वत।